जिस तरीके से देश का पूरा माहौल आज खराब हुआ पड़ा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, लगातार बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, लेकिन जो सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं देश का, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, वो लगातार इस तरीके का काम को अंजाम दे रहे हैं। वही अभी जो उदयपुर हत्याकांड हुआ, वही जो अभी अमरावती में हुआ, उसके बाद जो धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, वो लगातार खुलासे होते ही चले जा रहे हैं। लगातार बीजेपी का डंका बज रहा है, जिस तरीके से लगातार देश का डंका बज रहा है, उससे सभी लोग वाकिफ हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। और जिस तरीके से आज जो सबसे बड़ी खबर है, उस सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से अमरावती में जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जी हाँ, जिस तरीके से उदयपुर में एक हत्या कर दी जाती है युवक की, टेलर कन्हैया लाल की, उसके बाद जो खुलासे होते हैं, रियाज जो पकड़ा जाता है वो बीजेपी का निकलता है। जी हाँ, बीजेपी के साथ जो कार्यकर्ता बीजेपी के होते हैं, उनके साथ जो है उसकी फोटो वायरल होती है, उसके बाद अमरावती में ही ऐसे ही हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, उसमें भी जो युवक सामने आता है वो भी बीजेपी का निकलता है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारे खुलासे बोल रहे हैं। जिस तरीके से लश्करे तैयबा के आतंकवादी थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक की हमला किया था, उसमें जब खुलासा हुआ तो उस खुलासे में भी वो आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल का निकल कर आया। जी हाँ, अब वो बीजेपी का आईटी सेल था, आईटी सेल का चीफ था, उसके बाद उदयपुर का हत्याकांड हो, अब ये अमरावती की कहानी आप सुन लीजिए। अमरावती का जो सच सामने आया है वो ये है कि जो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अमरावती का सच जो है एनडीटीवी ने उजागर किया है, एनडीटीवी के द्वारा जो है खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीटीवी ने जब पड़ताल की तो उसने अपनी पड़ताल में ये बताया कि अमरावती मर्डर मामले के मास्टरमाइंड ने राणा दंपति के लिए चुनाव प्रचार किया था। जी हाँ, वही राणा दंपति जो लगातार बीच में हनुमान चालीसा के नाम से सामने आ रहे थे, वायरल हो रही थी उनकी तस्वीरें। जी हाँ, मैं उसी नवनीत राणा की बात कर रही हूँ जो महाराष्ट्र की है, लगातार अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी बताती है, वही हिंदू राष्ट्रवादी इनके प्रचार प्रसार में जो लगा हुआ था, मास्टरमाइंड जिसने अमरावती हत्याकांड को अंजाम दिया, वो मास्टरमाइंड इनका करीबी निकला। अब आप देखिए धीरे धीरे किस तरीके से खुलासे हो रहे हैं बीजेपी के, एक के बाद एक जो है परतें खुल रही हैं, लगातार जो है खुलासा हो रहा है, लगातार बीजेपी के कोई आईटी सेल का निकल रहा है, कोई लगातार जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो वायरल हो रही है। तो आखिर ये रिश्ता जो है, ये कनेक्शन जो है, कुछ खास और करीबी आता है। जी हाँ, अब ये जो खुलासा हुआ है, तो ये सोचिए जो मुख्य आरोपी था, यानी कि अभी ये उमेश कोले की जिस हत्याकांड मामले में कथित मुख्य आरोपी इरफान खान, जिसका नाम इरफान खान बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है जो अमरावती हत्याकांड का, उसका कनेक्शन अब निकल के आ रहा है नवनीत राणा जी के साथ। जी हाँ, अब ये सुन लीजिए आप, एनडीटीवी के पास मुख्य आरोपी के कई फेसबुक पोस्ट भी मिली हैं। सोचिए, फेसबुक पोस्ट पे मिला है जिसमें उसने 2019 के चुनाव के दौरान कई दफे नवनीत राणा की तारीफ के पोस्ट लिखे थे। सोचिए, लगातार जो सामने खुलासे हो रहे हैं, लगातार जो एक के बाद एक जो परतें खुल रही हैं, वो अब कुछ तो बयां कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना बड़ा कांड को अंजाम देने वाले लोग बीजेपी से निकल के आ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं। एक और महान पुरुष मैं आपको बता दूं जिनका खुलासा हो रहा है अब लगातार, जो वो है अरुण यादव। जी हाँ, अरुण यादव है, अभी ट्वीट किया है, इफ ज्वेर कैन बी अरेस्टेड फॉर अ 4-year-old ट्वीट। जी हाँ, जब मोहम्मद जुबैर को 4 साल पुराने ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहीं यहाँ सवाल हो रहा है, वाई कांट बिगिन अरुण 28 टू फोर हीज 5-year-old ट्वीट। उसके 5 साल पुराने ट्वीट जो है सामने आए हैं और अब जो है उसकी अरेस्ट की मांग की जा रही है, अब जो है उसके अरेस्टिंग की मांग की जा रही है। तो वो मांग क्यों की जा रही है, वो आप सुनिए।
ये जो अरुण यादव है जो लिखता है, मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से नुपुर शर्मा सामने आकर टिप्पणी करती है प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर, वहीं अब एक और फ्रिंज एलिमेंट जुड़ जाते हैं। लगातार ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो है खुले में बाहर घूम रहे हैं और एक के बाद एक ऐसा काम कर रहे हैं। एक मामला ठंडा होता नहीं है तो उसके बाद दूसरे मामले को ये अंजाम दे देते हैं। सोचिए, अब ये जो है ट्वीट सामने आ रहे हैं, मैं इसलिए ये बता रही हूँ 5 साल पुराना ट्वीट, क्योंकि मोहम्मद जुबैर को सीतापुर में भी जो है वहां पर FIR दर्ज करी गई उनके नाम की। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकर हैं, लगातार उनके ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। फैक्ट चेकर के तौर पे उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की, सरकार के झूठ को उजागर किया, इसलिए उन्हें कैद कर लिया गया, उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई और लगातार जो है अब वो हिरासत में है पुलिस के। वही सीतापुर में उनके खिलाफ FIR हो जाती है और उसके बाद आपको बता दूं मोहम्मद जुबैर को सीतापुर की अदालत में लाया गया और दिल्ली पुलिस जुबैर को सीतापुर लेकर पहुंची, वहां जहां पर बजरंग मुनि को हेट मोंगर कहने की वजह से जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अदालत से जुबैर को पुलिस रिमांड में भेजने की अपील की है। जी हां, बजरंग मुनि एक ऐसा नाम हिंदू राष्ट्रवादी अपने आप को बताता है जिसने सरे आम संसदें लगाई, सरे आम जो है मुस्लिम महिलाओं के रेप की बात की, सरे आम उन्हें मारने काटने की बात की, वो इस तरीके की बातें करता है और इसके बाद वो जेल भी जाता है। सोचिए, उसके ऊपर जो है जब सब लोगों ने अरेस्टिंग की मांग की तो वो एक दिन के लिए जेल भी जाता है। तो उसी के लिए, बजरंग मुनि के लिए उसे मोहम्मद जुबैर को हेट मोंगर बता दिया जाता है और उसके तहत इनके ऊपर मुकदमा लगाकर जो है धाराएं लगाकर अरेस्टिंग की मांग कर दी जाती है। सोचिए, जुबैर को अब जो है इसी बात के लिए रिमांड पर लिया गया है। लेकिन अब जो ये पैगंबर मोहम्मद साहब पर फिर से टिप्पणी करने वाले जो है यादव जी, इनके ऊपर अब किस तरीके से अरेस्टिंग की जाएगी या होगी या नहीं, वो तो अब यही बताएंगे, क्योंकि सरकार भी इन्हीं की है, सत्ता में बैठे लोग भी इन्हीं के ही हैं और फिर अदालतें, और ये भी कहीं किसी से छुपा नहीं है कि अदालतें किस तरीके से नतमस्तक हो चुकी हैं इनके आगे और लगातार एक तरफा फैसला सुनाकर जो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जो बात करते हैं सरकार से, सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, उनको लगातार उठा लिया जा रहा है। भाई, अब एक सबसे बड़ी खबर आप देखिए कि देश का लोकतंत्र बोलता भारत हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, इसका भी विश्लेषण करके आपको बताऊंगी। देश का लोकतंत्र अपराधी ठग नेताओं के हाथों में जा रहा है, ये खतरनाक है, ये इलाहाबाद को हाई कोर्ट ने खुद कहा है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद कहा है ये, संसद और विधानसभाओं में अपराधियों की बढ़ती संख्या खतरनाक है, देश का लोकतंत्र अपराधियों ठग के हाथों में जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये शब्द हैं। सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जो है अब सामने आकर इस तरीके की बात बोल रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भाई, लगातार आपको ये खबर भी आपने सुनी होगी कि यूके के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। जी हाँ, उनके नेता मंत्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया तो अब उन्हें आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। जिस तरीके से वहां की जनता ने भी भुगता है, उसके बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं आज जिस तरीके से आज भारत के हालात हैं, तो नैतिकता तो यही है कि प्रधानमंत्री जी को भी आकर, सामने आकर सबको संबोधित करना चाहिए और शायद उनको भी अपने पद की गरिमा को रखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश के हालात बन रहे हैं तो उससे सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि लगातार देश की थू-थू हो रही है, कभी महंगाई के नाम पर, कभी बेरोजगारी के नाम पर, तो कभी हत्याकांड जो सामने आ रहे हैं लगातार, बीजेपी के साथ फोटो वायरल हो रही हैं, तो उस पर भी जो है सामने आकर उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। अब सोचिए, लगातार जो है चूल्हों की तरफ लोगों को लौटना पड़ रहा है। जी हाँ, LPG गैस जब इतना महंगा हो जाएगा तो चूल्हों की तरफ ही लौटना पड़ेगा। उसी तरीके से जब उज्ज्वला योजना आई थी तो उज्ज्वला योजना के तहत जो है सबको सिलेंडर बांटे गए थे, चूल्हे बांटे गए थे, लेकिन अब वो चूल्हे ठंडे हो गए हैं, वो सिलेंडर ठंडे पड़ चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से वो योजना लाए थे, वो योजना अब धराशायी हो चुकी है। और वहीं जो इस तरीके के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से अफोर्ड करेंगे इतना महंगा सिलेंडर। तो सोचिए, जो दोबारा से है वो लकड़ी और चूल्हे की तरफ लौट रहे हैं, लगातार जो है धुआं धुआं होने वाली है रसोई।
अब किस तरीके से गुजर बसर चलेगा लोगों का। एक जो खाना पकाने की रसोई में सिलेंडर गैस होती थी, वही जब इतना महंगा हो जाएगा तो लोगों के खाने के लाले तो पड़ेंगे ही। बेरोजगारी वैसे ही चरम पर है, शिक्षा का मुद्दा है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मुद्दा है, मगर कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे गायब होते नजर आ रहे हैं। अभी ये सोचिए, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इसमें कोई साजिश है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोगों का भी कहना है। क्या किसी साजिश के तहत ये बार बार बीजेपी सत्ता में आ जा रही है? जिस तरीके से महंगाई की मार झेलते झेलते भी उसके बाद भी जो है बीजेपी सत्ता में आ जा रही है, तो एक बहुत बड़ी साजिश ही है। साजिश के तहत ही जो है लगातार बीजेपी सत्ता में बनी हुई है। जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, लगातार जो मुद्दे हैं छुपा दिए जा रहे हैं, लेकिन जो लगातार अब हत्याकांड के मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो ये क्या 2024 का कुछ खेल है, कोई साजिश है? लगातार बीजेपी का डंका बज रहा है, सामने आ रही है, एक्सपोज हो रही है बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद भी है लोग शायद आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। अब ये हो क्या रहा है देश में? ये हालात क्या इसी तरीके से बने रहेंगे? क्या इसी तरीके के हालात अब जो है देश को बार बार देखने ही पड़ेंगे, या देखते रहेंगे, या 2024 तक यही सब चलता रहेगा? इस सब पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।